Celebration partner, Morpheus, dare to dream. Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. डेयर टू ड्रीम मूवमेंट आपके जीवन का क्या था? मतलब वो मूवमेंट जिसमें ये लगा कि मैं हिम्मत नहीं दिखाता अपने करियर के लिए, एक बड़ा फैसला नहीं लेता तो शायद आज जाऊँ वहाँ नहीं होता। डेयर टू ड्रीम मोमेंट मेरे ख्याल से मेरा तब आया जब मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि एक समय आता है जब आपको चुनना ही पड़ता है कोई ना कोई करियर पाथ। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म इंस्टीट्यूट पूना में या जामिया मिलिया में या और किसी ऐसे जगह पे जाके फिल्म की स्टडीज़ करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो पिताजी तो चाहते थे कि हम सब फॉलो करें, वो सर्विसेज गवर्नमेंट सर्विस में जाएं। वो थोड़ा उस समय की बात है जब वो बहुत अहमियत रखता था। लेकिन फिर धीरे धीरे उस टाइम पता लगा कि बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और जिससे करियर भी बन सकता है। और ये वाली जद्दोजहद मैं अभी भी देखता हूँ जब पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे होते हैं कि नहीं, बीए करना ज़रूरी है, बैचलर्स डिग्री ले लो, उसके बाद कुछ भी करो। लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं है, आपको वही फॉलो करना चाहिए जो आपका मन करे और जिसको आप अच्छे से जानते हों और करना चाहिए। तो डेयर टू ड्रीम मोमेंट सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता है, किसी का बहुत ड्रामेटिक होता है, किसी का इतना ड्रामेटिक नहीं होता। मेरा सिंपल सा था और घर वालों ने सपोर्ट किया तो फिर आगे निकल पड़े।